हाय हाउ आर यू। होप सो आप सब अच्छे होंगे और सबको मेरी एसीपी सीरीज की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज उस पे कमेंट करो कि आपको अच्छी लग रही है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फर्दर भी कुछ और टॉपिक से रिलेटेड आपको ये वीडियो देख आऊंगा। तो प्लीज आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो सपोर्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊँ। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड जीएल अकाउंट सेटिंग्स पे हम जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड डिफाइंड अकाउंट ग्रुप डिफाइंड रिटेन अर्निंग क्रिएट जीएल अकाउंट को क्रिएट भी करेंगे एंड पोस्ट एंट्री तक आज हम करेंगे। लाइन आइटम डिस्प्ले भी मैं आपको दिखा दूंगा एंड अकाउंट बैलेंसेस तक भी आज हम चलेंगे। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले डिफाइंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए हमें OB13 कीबोर्ड को रन करना पड़ेगा एंड मैं आपके सामने OB13 कीबोर्ड को मैं रन करता हूँ। ये हमारा SAP का सर्वर है, यहाँ पे हम जाएंगे /OB13, हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं एंड उनके चार्ट्स ऑफ अकाउंट बने हैं। तो हमें अपनी कंपनीज पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो हमें न्यू एंट्रीज करना पड़ेगा। न्यू एंट्रीज में हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट का नाम क्या डालेंगे, अन्य डालेंगे, क्योंकि अन्य से ही हमने सारा कुछ करना है और ऑलरेडी। तो हम एक यूनिवर्सल लिख सकेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ओके। मेंटेन लैंग्वेज हमें इंग्लिश करना है। लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट, हमारे जीएल अकाउंट का जो लेंथ रहेगा वो 6 डिजिट का रहेगा ओके। ये 6 डिजिट का स्टैंडर्ड होता है तो हम 6 डिजिट पे मेंटेन करेंगे। कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन, हम कंट्रोलिंग के साथ इंटीग्रेशन नहीं करने वाले हैं अभी। तब मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट रखेंगे। कॉस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा, मैनुअली क्रिएट करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगा। और FI में कॉस्ट एलिमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब आप कंट्रोलिंग करोगे तो वहाँ पे कॉस्ट को लोकेट करने के लिए आपको कॉस्ट एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको FI से कंट्रोलिंग में डाटा ले जाने के लिए कॉस्ट एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये कुछ नहीं करना है, ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट हम नहीं बना रहे, हम सिंगल चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं। जस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है चार्ट्स ग्रुप चार्ट अकाउंट। अब इसको हमने सेव कर दिया, हमारा डाटा सेव हो चुका है, हमारी कंपनी का चार्ट्स ऑफ अकाउंट बन चुका है। बट अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनने के बाद इसको कंपनी के साथ हमें असाइन करना पड़ेगा और असाइन करने के लिए OB62 हमें कोड को रन करना पड़ेगा। NOP62 तो जब हम रन करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैं अपने कंपनी को सर्च करना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट वीडियो बताया था कि हम हर एक चीज को हम लिंक करेंगे। मतलब अगर हमने किसी को लिंक नहीं कर पाए, असाइन नहीं कर पाए, तो वो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर कोई वैलिडिटी नहीं रहता है। तो हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट बना दिया, उन चार्ट्स ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड के साथ हमने साइन कर दिया ओके। नेक्स्ट एंट्री आते हैं हमारे डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। अब हम अकाउंट्स ग्रुप्स बनाएंगे। अकाउंट्स ग्रुप्स मतलब हम अपने खर्चों का, अपने एसेट्स की, अपने लाइबिलिटीज की, अपने इनकम की, इनकम अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। तो आपको मैं आपको बता दूं SAP में हम जो बनाएंगे चार टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं बेसिकली। अगर इन शॉर्ट बताओ तो एक तो हम इनकम का बनाते हैं अकाउंट ओके, दूसरा हम इनकम का एक बनाते हैं, दूसरा एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं एंड एक लायबिलिटी का अकाउंट। तो अकाउंट ग्रुप भी इन चार ट्रांजेक्शन का बनाएंगे। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन अकाउंट में तो होता नहीं है। इनकम होगा या तो खर्चे होंगे या तो एसेट्स होगी या तो लायबिलिटी, बैलेंस शीट में और तो कुछ आता नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने एसेट्स के अकाउंट ग्रुप बनाते हैं एंड अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए हमें टी कोड जो रन करना पड़ेगा वो हमारा टी कोड है डिफाइंड अकाउंट ग्रुप OBD4। OBD4 से हम अपने अकाउंट्स के ग्रुप बनाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स ग्रुप बने हुए
ओके तो आप लोगों को मेरी वॉइस जा रही होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बना रखी है। तो एक मैं कॉपी करता हूँ जो मैं आपको दिखा के कॉपी करूँगा समझा के लिए। यहाँ पे मैंने कंपनी बनाया था अपने स्टोनमैन का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट ग्रुप को एक मैंने नंबर दे दिया। जैसे इस नंबर के अंदर अकाउंट जो आएगी मेरे 1 लाख से 1,99,999 तक मेरे अकाउंट्स होंगे, जिसको मैंने अकाउंट ग्रुप 1,000 दिया, 1,001, 1,003, 1,004 तक मैंने दिया। एंड सारे लाइबिलिटीज एसेट्स इनकम एक्सपेंसेस का मैंने अकाउंट ग्रुप बनाया। ये अकाउंट ग्रुप होता है कि हमने जितने भी लेजर्स हम जो बनाएंगे लाइबिलिटीज से लेते वो सारे लेजर्स होंगे, तो सारे लेजर्स को हमने ग्रुप कर दिया एंड उसको हम अकाउंट ग्रुप हम बोलते हैं। तो इसमें हमें अकाउंट ग्रुप को हमें एक नंबर देना पड़ेगा जिससे उसकी आइडेंटिटी बने। तो इसमें हमने यहाँ पे सबको आइडेंटिटी बनाने के लिए सबको एक नंबर दिया एंड इस पार्टिकुलर नंबर के अंदर हमने अकाउंट्स को डिफाइन किया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें नॉर्मल बस ऐसे होता है, अगर मैं न्यू पेज पे भी क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में मैं जो मैंने अनु बनाया था वो मैं लिखूंगा, अकाउंट ग्रुप लिखूंगा, नेम लिखूंगा और फिर कहाँ से कहाँ तक अकाउंट के लिए बनाना है। तो सेम चीज हम करेंगे। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ बिकॉज हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और अल्टीमेट आउटपुट सेव आएगा। सॉरी स्टोन में इनको मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पे लिख किया एंड मैंने यहाँ पे क्या किया कॉपी कर लिया, ये चार अकाउंट कॉपी हो गया। अब मैं बस इसका 400 अकाउंट का नाम चेंज कर दूंगा, ये हमारा बन चुका है। अब इसको हमने एंटर कर दिया और ये डाटा हमारा चार एंट्रीज हमारी कॉपी हो चुकी है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो हमने अकाउंट्स ग्रुप हमने बना लिया है। अब हम जो भी एसेट्स बनाएंगे उसकी अकाउंट का जीएल नंबर 2 लाख से स्टार्ट हो सकता है, ना कि 1 लाख होगा, ना 3 लाख होगा, ना 4 लाख है, 2 लाख हो सकता है, 2 लाख 1, 2, 3, 4 जितना आपको बनाना है। आप सारे एसेट्स को इसी अकाउंट ग्रुप के अंदर आप मेंटेन कर सकते हो। सेम लाइक दिस, अगर आपको लाइबिलिटी का बनाना है तो 1 लाख से 1,99,999 तक आप बना सकते हो। इस तरीके से हर एक का होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने डिफाइन कर लिया है। अब डिफाइन रिटेन है ये अकाउंट। अब देखो जीएल अकाउंट बनाने के लिए एंड उसमें पोस्टिंग करने के लिए आपको पहले अपने रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। विदाउट रिटेन अर्निंग क्रिएट किए हुए आपका रिटेन अर्निंग क्रिएट का मतलब आपका पीएनएल अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है साथ। तो इसलिए विदाउट इसको क्रिएट किए हुए आप नहीं बना सकते हो, आप कोई भी इनकी पोस्ट नहीं कर सकते हो। अगर इन जनरल लैंग्वेज में आपको रिटेन अर्निंग बोलूँ तो आप सबने बैलेंस शीट बनाया होगा। तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट जो आपकी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो, उसको आप नेट प्रॉफिट को अपने कैपिटल में ऐड करते हो, ठीक है। तो वही है हमारा रिटेन अर्निंग। तो हम रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे OB53 से एंड OB53 पे हमें जाना है एंड OB53 चार्ट्स ऑफ अकाउंट और यहाँ पे एक्स मेंशन करना है, बाय डिफॉल्ट एक्स ही आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे हम जो अकाउंट बनाएंगे वो 2 लाख होगा। एक सेकंड, एक न्यू विंडो खोल देता हूँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट के लिए, इससे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा अकाउंट ग्रुप है वो कहाँ तक है। आपको बाय डिफॉल्ट लिखेगा लेकिन आपको डबल इंटर करना है तो डाटा सेव हो जाएगा। ये हमारा डाटा सेव हो चुका है, हमारा एक रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम अपना क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट आता है जीएल अकाउंट बनाना। तो जीएल अकाउंट बनाने के लिए FL00 कोड है, आपको जो यूज करना पड़ेगा जीएल अकाउंट एंड
हम अभी यहाँ पे चेंज करते हैं। क्या हो रहा था? तो हमें जीएल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी कोड को मैंने अनमूट कर दिया एंड यहाँ पे सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट हम एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स 2 लाख, 2 लाख का कैश का अकाउंट होता है। 20 से 4 2 लाख, ओके ये आ चुका है। अब ये अकाउंट हमारा क्या है, 2 लाख हमारा एसेट्स का अकाउंट है। यानी एसेट्स का अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एसेट्स का एंड स्टॉक टेक्स्ट आपको डालना है कि क्या कैसे अकाउंट है। लॉन्ग टेक्स्ट में भी आप यही डालते हो। ऊपर लॉन्ग टेक्स्ट का यूज कब होता है, जब आप लाइन आइटम जब आप डिस्प्ले करते हो तो आपके इन डिटेल आपको अकाउंट दिखेगा। अदरवाइज शॉर्ट में आपको जो आपने शॉर्ट टेक्स्ट में डाल रखा है वही अकाउंट आपको दिखेगा। फिर हमें जाना है कंट्रोल डाटा को एंड यहाँ पे देखो ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका INR में फिक्स हो चुका है। इसके अलावा आपको लाइन आइटम डिस्प्ले को ऑन करना है, जिससे होगा क्या, जो आपने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया है उसकी ट्रांजेक्शन की लाइन जो है किस तरीके से ट्रांजेक्शन पोस्ट हुआ उसके अमाउंट सब कुछ दिखाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि लाइन आइटम पोस्टिंग का एडवांटेज क्या मिलेगा। शॉर्ट के यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिनमें हम 001 देते हैं और जब आप पोस्टिंग डेट को हम रेफर करते हैं। और ट्राइजेशन ग्रुप हमें को सिलेक्ट नहीं करना है, अकाउंटिंग कलर को भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है। देन एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं। एक्चुअली लाइट आ चुकी है तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया है। अब फील्ड स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम बाय डिफॉल्ट देखो फील्ड स्टेटस ग्रुप का आपने स्टार्टिंग में बनाया था उसका यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप दूसरा जिस फील्ड को आप डाल दोगे वो फील्ड उसकी कंपलसरी पोस्टिंग आ जाएगा। देन अब आपको यहाँ पे और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है एंड आपको इसको सेव कर देना है। ये आपका जेल अकाउंट बन चुका है। एक और हम जेल बनाते हैं रेंट का बनाते हैं, कैश एक कैपिटल का भी बनाते हैं। एक सेकंड, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज कौन से रेंज को मैं अनलिमिटेड कर दूँ। अब एक मैं न्यू अकाउंट बनाता हूँ रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। यहाँ से क्रिएट करो लाइबिलिटीज का जो हमारा जीएल नंबर है। एक सेकंड यार, मैं लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है। जैसे कि मैं लाइबिलिटी का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ 1 लाख, 1 लाख से मैं क्रिएट करता हूँ जीएल अकाउंट 1 लाख, 10,000, 1 लाख। और ये जीएल अकाउंट मैं किससे रिलेटेड बना देता हूँ, कैपिटल से रिलेटेड लाइबिलिटीज। और ये किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और इसको मैं डाल देता हूँ कैपिटल। इसमें फिर आप कंट्रोलिंग एरिया को आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे ओनली बैलेंस लोकल करेंसी, लाइन आइटम ऑन कर लो, शॉर्ट की को आप सिलेक्ट कर लो। एंड नेक्स्ट हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप क्लिक करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी उसमें इनका नंबर डाल रहा हूँ तो भी आ जाए। ये भी मैंने क्रिएट कर लिया। एक लेजर और मुझे क्रिएट करना है, एक लेजर और मुझे चाहिए एक्सपेंस का 4 लाख। एक लेजर क्रिएट करते हैं क्रिएट 4 लाख, 4 लाख का हमारा लेजर होगा वो रिलेटेड टू एक्सपेंस हम बनाते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं ये हमारा क्या है एक्सपेंस है,
बैलेंस पीएनएल से रिलेटेड होगा, खर्चा है तुम्हारा। शॉर्ट टाइटल यहाँ पे मैं रेंट एक्सपेंस डाल देता हूँ। ओके एंड यहाँ पे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्क्रिप्ट मैंने ऑन कर दिया है, एंड यहाँ पे भी सॉर्ट भी डाल देते हैं। पोस्टिंग डेट यहाँ पे अच्छा आओ, G001 हमें सिलेक्ट करना है, बाकी अभी हमें कुछ ऑन नहीं करना है। इसको भी हमने सेव कर दिया, एक हमारा एक्सपेंसिस का लेजर बन चुका है। इसके अलावा एक लेजर और बना देते हैं। देखो आप लेजर यहाँ से कॉपी करके भी आप लेजर बना सकते हो। आप जैसे मैंने एक एक्सपेंसिस का बना दिया, तो मैं दोबारा क्या करूंगा, बार बार वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, एक्सपेंसिस को रेंट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, रेफरेंस डेट अकाउंट आ गया 4 लाख, और मैं न्यू के लिए यहाँ से क्रिएट कर लूंगा 4 लाख 1। 4 लाख 1 करके मैंने क्लिक किया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ जीएल का नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे रेंट के जगह मैं क्या कर दूंगा, सैलरी डाल दूंगा। ओके कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम सेव भी हो गया। तो अब हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली है, हमने पोस्ट जीएल, जीएल एक पोस्ट करके देखते हैं। ऐसे बैटरी 17% है, चलो ट्राई करते हैं, अगर हो गया फिर वीडियो बनना भी तो है। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में ये पोस्टिंग सब कुछ करेंगे। थैंक्स, बाय, टेक केयर।